हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज हेमंत पुरी। सो ये जनरल स्टडीज के लिए वन लाइनर का बुक है महेश कुमार बर्नवाल का। अगर हम लोग इंडेक्स देखें तो पहले के वीडियोज में ऑलरेडी हम लोग कुछ कुछ चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, और उन सारे के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो देखो, ये है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसको हैं। तो किसी कंट्री को आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी बॉडीज होती है जो फंक्शन करती है। पर्टिकुलरली अगर ये डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में बहुत सारी बॉडीज होती हैं जो फंक्शन करती है, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें जो हायरार्की होता है रैंक्स का, जैसे सबसे ऊपर प्रेसिडेंट बैठे होते हैं, फिर नीचे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं, और इनमें बहुत सारे मिनिस्टर, मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत सारे रैंक्स एंड पोस्ट आ जाते हैं, तो ये मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इन्हें फंक्शन करने के लिए बहुत सारे सेट्स ऑफ रूल चाहिए होता है। इवन कि किसी कंट्री को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे सेट्स ऑफ रूल चाहिए होता है, ठीक है। तो उन सारे रूल्स का कलेक्शन जो होता है क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। अब कोई भी कंट्री है, देखो यहां आप दो तीन वर्ड समझो, ठीक है। आप अक्सर सुनते होंगे स्टेट, ठीक है, स्टेट सुनते होंगे, फिर कंट्री सुनते होंगे, ठीक है, एंड एक और वर्ड सुनते होंगे नेशन, ठीक है। तीनों में पर्टिकुलरली डिफरेंट क्या है? तो देखो, कोई भी देखो, जियोग्राफिकल टेरिटोरी है, ठीक है, इस पर जब गवर्नमेंट बना के गवर्न करी जाती है, और इसे देखो, जब भी ये स्टेट वर्ड आएगा ना, तो ये पॉलिटी से रिलेटेड आएगा। इट मीन्स दैट क्या कि इस एक जियोग्राफिकल टेरिटोरी होगा जहाँ की कुछ कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ कुछ इसका क्राइटेरिया होगा पर्टिकुलरली। तो देखो, किसी भी कंट्री को, किसी भी जियोग्राफिकल टेरिटोरी को अगर स्टेट कहलाना है तो उसके पास 5 इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहला चीज तो पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। जब पॉपुलेशन है, इसके बाद क्या, फिक्स जियोग्राफिकल टेरिटोरी होना चाहिए, ठीक है। जियोग्राफिकल टेरिटोरी हो गया, ओके। फिर क्या, गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अभी के लिए ये मतलब ठीक है, अब ये रिटेन हो, अनरिटेन हो, ट्रेडिशनल हो, हु केयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से कोई भी जियोग्राफिकल टेरिटोरी स्टेट कहलाएगा, वो है सोवेरेनिटी, ठीक है। क्या है सोवेरेनिटी? अब देखो, सोवेरेनिटी किसको कहते हैं, क्या होता है सोवेरेनिटी? देखो, सोवेरेनिटी एक सुप्रीम पावर होता है किसी पर्टिकुलरली टेरिटोरी के अंदर। किसी पर्टिकुलर टेरिटोरी के अंदर क्या होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होता है, जो कि किसी टेरिटोरी में लॉ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। किसी भी बाहरी फोर्स का इस पर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो अगर आप देखो, लेट से ये इंडिया है, ठीक है, क्या है, इंडिया है। तो इंडिया का जो भी गवर्नमेंट है इस पूरे टेरिटोरी में अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, इवन की मोस्ट पावरफुल है। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग, चाइना के लोग, यूएसए या जर्मनी या स्वीडन या नीदरलैंड, कहीं के लोग भी इस पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि तुम 370 क्यों हटा रहे हो, ठीक है, आप 370 क्यों हटा रहे हो, या फिर ट्रिपल तलाक बिल क्यों ले आ रहे हो, या जो भी है, समझ रहे हो ना। तो ये एक सुप्रीम पावर है, और यही सुप्रीम पावर को क्या कहते हैं, सोवरेनिटी कहते हैं। अब देखो, ये ऐसा भी पावर होता है जो ये सब कंट्रीज थे इनके साथ भी रिलेशन बनाने में ये अपना ही कह सकते हो कि इंटरेस्ट मैटर करता है इनका ही। मतलब क्या कि यूएसए के साथ कैसा रिलेशन बनाना है ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, इंडिया डिसाइड करेगा, ना कि पाकिस्तान डिसाइड करेगा, ठीक है। मतलब क्या कि फॉरेन कंट्रीज के साथ भी रिलेशन बनाने में ये इंडिपेंडेंट होता है, ना कि किसी के कह सकते हो कि क्या कह सकते हो कि किसी के वश में नहीं होता है, ठीक है, या फिर किसी के प्रेशर में नहीं आता है। तो इसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, सोवरेनिटी कहते हैं। अब अक्सर हम लोग बिहार को कह देते हैं, या फिर यूपी है, या फिर एमपी है, या जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग कह देते हैं स्टेट्स। अभी मैंने भी बोला स्टेट्स, लेकिन क्या सोच के देखो, क्या ये स्टेट्स कहलाने लायक है क्या? अगर हम लोग रियलिटी में देखें तो इनके पास सब कुछ है। देखो, इनके पास पॉपुलेशन भी है, जियोग्राफिकल टेरिटोरी भी है, गवर्नमेंट भी है, एक चीज नहीं है, क्या है, वो है सोवरेनिटी, ठीक है। सोवरेनिटी नहीं है, इसका मतलब क्या, इन्हें स्टेट्स नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोविंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोविंस कहा जाता है। तो इनका देखोगे जब एग्जाम भी होगा तो पीसीएस का एग्जाम होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ना कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होते हैं, इवन कि ब्रिटिशर्स के समय में भी ये चलता था, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का कम वो कह सकते हो कंसेप्ट, ठीक है। तो देख सकते हो इन्हें क्यों कहते हैं, इन्हें प्रोविंस कहेंगे, ठीक है। इनके अलावा दो और वर्ड जानो, ठीक है, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन, ठीक है।
फेडरेशन। अब देखो यूनियन क्या है और फेडरेशन क्या है, दोनों का मतलब होता है ना कि स्टेट्स का कह लो कि कलेक्शन कह लो, ठीक है, स्टेट्स का कलेक्शन कह लो कि बहुत सारे एक जियोग्राफिकल टेरिटोरी में बहुत सारे स्टेट्स मिलकर एक क्या बनाएंगे, यूनिटी यूनियन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो फेडरेशन में जो होता है ना, छोटे 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 या बड़े बड़े जैसे भी स्टेट्स हों, ये मिलकर कुछ कुछ अपना पावर लूज करते हैं, ठीक है, पावर को लूज करते हैं और ये किसी सेंटर को देते हैं कि लो इस पे कानून तुम बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो लेट से यूएसए, ठीक है, यूएसए में शुरू शुरू में 13 कंट्रीज ने अपने कुछ कुछ पावर लूज किया। अब ये पावर क्या थे, ये पावर थे लेट से कि फिनांस है, ठीक है, उसके बाद क्या डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है। इनको बोला कि लो ये सेंटर इन्होंने बनाया जिसका नाम रखा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बोला कि इन सब टॉपिक्स पे आप कानून बनाना, ठीक है, मतलब फॉरेन अफेयर्स पे आप कानून बनाना, डिफेंस पे आप कानून बनाना, फिनांस पे आप बनाना, ठीक है, मतलब करेंसी आपकी होगी, तो बात समझ रहे हो ना। तो जब जब छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक स्ट्रांग यूनियन बनाते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग फेडरेशन, ठीक है। लेकिन अब इंडिया, जैसे हम लोग इंडिया को यूनियन कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्वासी फेडरेशन कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि देखो इंडिया ने स्टेट्स को बनाया है, बात समझना, इंडिया ने स्टेट्स को बनाया है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सुविधा के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के सुविधा के लिए इंडिया ने स्टेट्स को बनाया है। जैसे कि शुरू शुरू में जब इंडिया आजाद हुआ तो ये ब्रिटिश इंडिया हुआ था, ठीक है, अब इनको बांटना पड़ा। अब देखो ये यूनियन कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब सुविधा के लिए बांट दिए या फिर क्या, लोगों के डाइवर्सिटी, चूंकि देखो इंडिया बहुत ही डाइवर्स नेशन है, ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो लोगों के डाइवर्सिटी को देखते हुए बांट दिया कि चलो भाई ये लो ये इंडिया है तो ठीक है, इधर चूंकि बंगला बोलते हैं तो वेस्ट बंगाल हो जाए, या पहले से भी था, ठीक है, एपी बन जाओ, जो भी बन जाओ, बॉम्बे जो भी है, तो पर्टिकुलरली क्या है इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा से बांट दिया, तो ऐसे को क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं पर्टिकुलरली। और इसमें क्या होता है, कुछ कुछ पावर्स जो है ये शेयर कर दी जाती है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे। तो आई होप सो कि अभी तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया होगा। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय टोटल 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय में देखोगे तो 25 पार्ट्स हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, ठीक है। जब शुरू शुरू में हुआ था तो देखो 22 पार्ट्स थे, ठीक है, 8 शेड्यूल थे एंड 395 आर्टिकल्स थे। अभी के समय में देखोगे तो ये बढ़ के कितना हो गया है, ये 22 से हो गया है 25, ये 8 से हो गया 12, 395 से अप्रॉक्स 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट के वजह से हुआ है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग शुरू शुरू वाला देखते हैं अभी कि 22 पार्ट्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है, मतलब ये पार्ट से रिलेटेड जो जो से आर्टिकल्स है वो भी देखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ सो दैट यू कैन वॉच इट क्लियरली। तो देखो पार्ट्स वन में अगर हम लोग देखें, पार्ट वन में तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दिया गया है, ठीक है, चलो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा सो दैट, हाँ चलो ठीक है। तो पार्ट वन में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, आर्टिकल क्या है, 1 से 4। पार्ट टू में क्या है, सिटीजनशिप है, 5 to 11 आर्टिकल। पार्ट थ्री से पार्ट थ्री में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, 12 to 35 है, ठीक है। पार्ट फोर में क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कब, 36 to 51 तक है, ठीक है। पार्ट फोर ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो 51A में दिया हुआ है। पार्ट फाइव में क्या है, द यूनियन है, जो 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक है, ठीक है। सिक्स में क्या है, द स्टेट्स हैं, जो 152 to 237 तक हैं। पार्ट सेवन में क्या है, देखो पर्टिकुलरली ये जो पार्ट सेवन है ना, इसको रिप्लेस कर दिया गया था सेक्शन 29 के द्वारा, ये 1956 के अमेंडमेंट से, ठीक है, तो इसमें देख सकते हो 238 ये रिप्लेस्ड हो गया था। फिर पार्ट एट क्या है, द यूनियन टेरिटोरीज है, 239 to 242। पार्ट नाइन क्या है, पंचायत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 243 to 243O, ठीक है। फिर पार्ट 9A में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज, ये क्या है, 243P2 है, 243ZG तक है, ठीक है। ये सब आगे हम लोग जानेंगे कि ये ZG में क्या दिया हुआ है, P में क्या दिया हुआ है, ZH में क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो 9B में क्या है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, 243ZH से लेके 243ZT तक है, ठीक है। पार्ट 10 में देख लो, शेड्यूल्स द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं, 244 to 244A है, ठीक है इसमें। फिर 11 में क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये 245 to 263 तक है आर्टिकल्स, ठीक है। पार्ट 12 में क्या है, फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, सूट्स हैं, ये कहाँ है, 264 to 300A तक है, ठीक है। 13 में क्या है, ट्रेड है, कॉमर्स है एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये 301 से लेकर 307 तक है। फिर पार्ट 14 में देखो, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, सर्विसेज की बात करी गई है, जो 308 से लेकर 328 तक है। फिर
पार्ट 14 ए देखोगे तो ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, जिसमें 323 to 323B तक है, ठीक है। पार्ट 15 देखोगे तो इलेक्शंस हैं, जो 324 to 329A तक है, ठीक है। पार्ट 16 अगर देखो तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, जो 330 आर्टिकल से लेकर 342A आर्टिकल तक है, ठीक है। पार्ट 17 अगर देखो तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो 343 to 351A तक है, ठीक है। पार्ट अगर हम लोग कहाँ देखें 18 तक, तो इमरजेंसी प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं 352 to 360 तक। पार्ट 19 की अगर बात करें तो मिसलेनियस है इसमें 361 to 367। पार्ट 20 में अगर देखें तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आर्टिकल 368 में मेंशन है, ठीक है। पार्ट 21 की बात करें तो टेम्प्रोरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की बात करी गई है, आर्टिकल 369 to आर्टिकल 392 तक। फिर पार्ट अगर 22 की बात करें तो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये कहाँ दिया हुआ है, 393 to 395 तक, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले आपको शेड्यूल्स बता दूं सो दैट कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इंश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये आपका इसका बेहतर आंसर आप कब दे पाओगे, जब आपको शेड्यूल्स पता होंगे, ठीक है। तो देखो शेड्यूल्स हम लोग देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है। तो देखो अगर हम लोग फर्स्ट शेड्यूल की बात करें, फर्स्ट शेड्यूल की, तो आर्टिकल 1 and 4 में दिया गया है, इसमें क्या है, नेम्स ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है। फिर क्या है, नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर एक्सटेंट, ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है या फिर क्या क्या उसमें शामिल है। सेकेंड शेड्यूल की अगर बात करें तो देखो आर्टिकल 59(3), 65(3), 75(6), 97(1), 145(1), 148(3), 164(5), 186 and 221, ठीक है। ये सब किस में दिया गया, ये सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो सेकेंड शेड्यूल से रिलेटेड है। इसमें क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। देखो भारत में जितने भी हायर ऑथोरेटिव रैंक्स है या फिर पोस्ट हैं, पर्टिकुलरली जैसे कह सकते हो प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, इनसे रिलेटेड जो भी इमोल्यूमेंट्स हैं, सुविधाएं हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, तो इन सब की चर्चा किस में करी गई है, सेकेंड शेड्यूल में करी गई है। तो देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, मतलब इनसे रिलेटेड इमोल्यूमेंट्स होंगे, अलाउंसेस होंगे, प्रिविलेजेस होंगे, ये सब किस में मेंशन है, सेकेंड शेड्यूल में है। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स, फिर क्या है, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स, ठीक है, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किस में मेंशन है, सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। अगर हम लोग थर्ड शेड्यूल को देखें, आई होप कि थर्ड शेड्यूल आपको विजिबल है, तो थर्ड शेड्यूल को अगर देखें तो इसमें क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस फॉर, ठीक है। देखो इसमें ओथ्स एंड अफर्मेशंस की बात करी गई है, ओथ्स एंड अफर्मेशंस की। अब देखो अगर आपको इन दोनों का मतलब नहीं पता है, देखो ओथ्स मतलब होता है ना शपथ, शपथ कहते हो ना, तो देखो इंडिया जो है ये सेक्युलर नेशन है, ठीक है, सेक्युलर नेशन है, सेक्युलरिज्म को यहाँ फॉलो की जाती है, और इंडिया का सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन वेस्टर्न नेशन जैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ के सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन सारे धर्म इसके नजर में समान है, और ये सारे धर्म को अपने से जोड़ के चलता है, ठीक है, मतलब खुद को धर्म से अलग नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे कंट्री में बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं, तो जैसे मान लो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये लोग जब कोई ऐसा पोस्ट लेते हैं यूनियन मिनिस्टर्स का या फिर इलेक्शन में फाइट करते हैं, तो ये लोग लेंगे क्या, ओथ्स, कहते हैं ना मैं गीता पे हाथ रख के शपथ खाता हूँ कि ऐसे कुछ कुछ अपने जो भी होता है इनका ओथ्स, ठीक है। तो ये जब कोई धर्म से रिलेटेड हो तो वो क्या लेगा, ओथ लेगा, लेकिन ऐसे भी इंडिया में लोग हैं ना जो नास्तिक हैं, ठीक है, जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं या फिर कोई किसी धर्म को नहीं मानते हैं, लेट्स से कि मैं किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करता हूं या फिर मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूं, तो क्या मुझे यूनियन मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, या कोई मुझे कोई पार्लियामेंट के किसी इलेक्शन में मैं कंटेस्ट नहीं कर सकता हूं, ऑफ कोर्स कर सकता हूं, लेकिन जब मैं यूनियन मिनिस्टर बनूंगा या कोई भी इनमें से बनूंगा तो मैं क्या लूंगा, अफर्मेशन दूंगा, ठीक है, अफर्मेशन। ये ओथ के सिमिलर ही होता है, लेकिन ये ओथ वो लेते हैं जो धर्म में बिलीव करते हैं और उस धर्म के नाम पे शपथ खाते हैं, और अफर्मेशन कौन देते हैं, जो नास्तिक होते हैं, ठीक है। तो ये आप सिंपली ओथ्स एंड अफर्मेशंस का मतलब समझ गए होंगे। तो देखो थर्ड शेड्यूल में क्या है,
पर देखो थर्ड शेड्यूल में आर्टिकल्स की आर्टिकल्स देख लेते हैं, तो देखो आर्टिकल है 75(4) है, 84 है, 99 है, 124(6) है, 148(2) है, 164(3) है, 173 है, 188 है एंड 219 है, ठीक है। तो देखो इसमें द यूनियन मिनिस्टर्स के ओथ एंड अफर्मेशंस, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ टू द पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG कैग, द स्टेट मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स, ठीक है। ये जितने भी थे ये लोग क्या लेंगे, ओथ्स एंड अफर्मेशन जो लेंगे, इसका मेंशन कहाँ है, तो थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में हम लोग देख लेते हैं, तो फोर्थ शेड्यूल किसे कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो देखो 41 एंड 82, ठीक है, 80 का 2। तो देखो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, मतलब कितनी कितनी सीटें का एलोकेशन हुआ है, ठीक है, सीटों का। तो फिफ्थ शेड्यूल अगर देखें तो आर्टिकल 244(1) में दिया गया है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। कुछ कुछ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स बनाया जाता है या फिर बहुत सारे बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उनसे जो भी प्रोविजंस होगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो दिया गया है किसमें, तो फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। सिक्स्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो इसमें क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। देखो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसमें बहुत सारी ट्राइबल एरियाज घोषित है ऑलरेडी, ठीक है, तो इनसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है ये सिक्स शेड्यूल में दिया गया है, किसमें दिया गया है, सिक्स्थ शेड्यूल में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 244(2) से लेकर 275(1) तक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल्स देख लेते हैं, तो देखो इसमें है क्या, सेवेंथ शेड्यूल, ये आर्टिकल 246 में दिया गया है। देखो इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ List 1, List 2 एंड List 3, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है, देखो लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट। अब आपको पता होगा कि यूनियन लिस्ट क्या है, देखो ये पर्टिकुलरली इन लिस्ट का क्या मतलब है कि इन पे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, यूनियन को है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर को है। उसी तरह स्टेट लिस्ट में क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे कानून बनाने का, जिस पे लेजिस्लेचर ले आने का किसका अधिकार है, तो ये है स्टेट्स के, ठीक है। और जो ये कंकरेंट लिस्ट है इस पे दोनों यूनियन एंड स्टेट दोनों कानून बना सकता है, तो ये सब ये पर्टिकुलरली तीनों लिस्ट हैं। तो अगर हम लोग आज के समय में देखें प्रजेंटली, तो यूनियन लिस्ट कंटेंस 100 सब्जेक्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, और ओरिजिनली कितना था तो 97 था। स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली कितना था, 66 था, एंड कंकरेंट लिस्ट में कितना है, 52 सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनिशियली देखें हम लोग जब शुरू में इसको लाया गया था तो कितने थे, 47 थे, ठीक है। तो आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसे, सेवन्थ शेड्यूल में दिया गया है तीनों लिस्ट के बारे में, और ये सब्जेक्ट्स 100 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में है, 61 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, एंड 52 सब्जेक्ट्स कितने हैं, कंकरेंट लिस्ट में है। अगर अब हम लोग देखें एट्थ शेड्यूल को, ठीक है, तो एट्थ शेड्यूल का मेंशन है आर्टिकल 344(1) एंड 351 में। इसमें देखो शेड्यूल लैंग्वेजेस दिया गया है रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वैसे लैंग्वेजेस दिए गए हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, और ये शेड्यूल्ड है। तो इसमें क्या क्या है ये लैंग्वेज ध्यान रखना, आसामीज है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, इसको डोंगरी भी कहते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, माथिली है या फिर मैथिली कह लो, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। आप इसे काउंट करोगे तो ये टोटल 22 लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, मतलब 22 भाषाओं का इसमें क्या कह सकते हैं, इंक्लूड किया गया है एट शेड्यूल में, जो आर्टिकल 344(1) एंड 351 में आता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं अभी नाइन्थ शेड्यूल को, तो देखो नाइन्थ शेड्यूल दिया गया है 31(b) में, ठीक है। एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विथ अदर मैटर्स। तो देखो आपको याद होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या होता था, फंडामेंटल राइट होता था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको हटा दिया गया था, और इसको हटा के किस में डाल दिया गया था, आर्टिकल 31(b) में डाल दिया गया था, ठीक है।
तो इसमें क्या है, तो इसमें कुछ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है, और इसमें जमींदारी सिस्टम को क्या किया गया है, एबोल्यूश करा गया है, ये 9th शेड्यूल में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग 10th शेड्यूल देखते हैं, तो देखो ये 10th शेड्यूल है जो ये आर्टिकल 102 एंड 191(2) में दिया हुआ है। इसमें क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, और इसी में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी जाएगी। किसकी बात करी जाएगी, एंटी डिफेक्शन लॉ की, ठीक है, जिसमें दल बदलू कानून जो कहते हैं ना, इसी में आता है। मतलब पर्टिकुलरली किसी मिनिस्टर्स को डिफेक्शन के आधार पे हटा जाएगा। अब मिनिस्टर कैसे होंगे, एमएलए हो सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमपी हो सकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को डिफेक्शन के आधार पे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या 11th शेड्यूल जो आर्टिकल 243G में दिया गया है, तो स्पेसिफाइज द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ठीक है। देखो 11th शेड्यूल को बाद में जोड़ा गया था, इसको हम लोग आगे देखेंगे कब जोड़ा गया था और क्या क्या किस प्रोविजंस पे जोड़े गए थे। अभी आप जानो कि 11th शेड्यूल को बाद में जोड़ा गया था, ओरिजिनली तो था नहीं क्योंकि ओरिजिनली 8 ही था, तो इसमें क्या है पंचायत बनाए गए थे और इसमें पंचायत से रिलेटेड जो भी पावर है, अथॉरिटीज है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी मेंशन है, और इसमें देखो 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जिस तरह आप देख रहे थे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट होते थे, उसी तरह पंचायत के पास 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एंड 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज को डाला गया है और इनके इनसे रिलेटेड पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की चर्चा है और इनके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो देखो इनकी बात करी गई है 243G में और इनकी बात करी गई है 243W में, ठीक है। अब देखो अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो इजीली, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओरिजिनल कितने शेड्यूल्स डाले गए थे, तो 8 डाले गए थे, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोविजंस, एक सेकेंड पेन चेंज कर लो, ओके, प्रोविजंस रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडियन यूनियन वॉज मेड इन विच शेड्यूल्स, मतलब प्रोविजंस रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडियन यूनियन वॉज मेड इन विच शेड्यूल, किस शेड्यूल में इसका करा गया था, तो 1st शेड्यूल में, ठीक है। अच्छा, इन विच ईयर वॉज द 1st शेड्यूल इन द ओरिजिनल 8th शेड्यूल इंसर्टेड, मतलब पहली बार 9वां शेड्यूल कब डाला गया था, तो ये कब डाला गया था, 1951 में 9th शेड्यूल डाला गया था, ठीक है। देखो 1st शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेम ऑफ स्टेट्स एलॉन्ग विद देयर ज्यूरिस्डिक्शन, अभी हम लोग यहाँ देखे थे कि नेम्स ऑफ 1st शेड्यूल में हम लोग देखे थे ना, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन और इसी तरह यूनियन टेरिटोरीज के सेंस में, ठीक है। अब आपको बताना है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स हैव बीन मेड इन, किस में डाला गया है, तो 5th शेड्यूल में डाला गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज बाई द गवर्नमेंट हैव बीन डिस्कस्ड इन विच शेड्यूल, ठीक है। टैक्स एंड ड्यूटीज जो गवर्नमेंट लगाएगी वो किस में है, 7th शेड्यूल में है, ठीक है। अब आपको बताना है विच शेड्यूल इंसर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड टू द स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, किसमें डाला गया था, 9th शेड्यूल में, ठीक है, ये ऑफिशियली तो था नहीं। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, इट वॉज लेटर अमेंडेड बाई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, ओके। नाउ हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर एज ऑफ प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने हैं, तो 12 हैं, ठीक है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर डील्ड विद द 12th शेड्यूल, 12th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो 18 हैं, ठीक है, ओके। हम लोग ये सब देख चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन 11th शेड्यूल, कितने हैं, तो 29 है, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द मोस्ट रिसेंट शेड्यूल इंसर्टेड, जो मोस्ट रिसेंट शेड्यूल है कौन से ईयर में इसको डाला गया था, तो 1992 में डाला गया था थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शेड्यूल 11 एंड 12। शेड्यूल 11 में क्या है पंचायत है, 12 में क्या है म्यूनिसिपैलिटीज है, ठीक है। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेज बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेज, ठीक है। सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें कितने लैंग्वेज थे, 14 थे, ठीक है, अभी कितने हैं, 22 लैंग्वेजेज हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू आंसर विच शेड्यूल डील्स विद द लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म कर कौन सा शेड्यूल डिस्कस करता है, तो ये शेड्यूल 9 करता है, ठीक है। फिर आपको बताना है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आर मेंशनड इन द विच शेड्यूल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कौन से शेड्यूल में मेंशन है, तो ये है कौन सा, शेड्यूल 5, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर मेंशनड अंडर विच शेड्यूल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किस में आएगा,
शेड्यूल सिक्स में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ ये सब ध्यान में रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधी वॉज एडेड बाई द 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वेयर एडेड बाई द 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992 एंड बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली वेयर एडेड बाई 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, ये सब एक टाप को याद रखना है। 21st अमेंडमेंट एक्ट में क्या जोड़ा गया था? सिंधी, तो ये पहला लैंग्वेज था जो जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली जोड़ा गया था 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, एंड बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली कब जोड़ा गया था? 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस वेयर इनकॉर्पोरेटेड ओरिजिनली अंडर शेड्यूल 8? तो अभी बताया 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज इंसर्टेड थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 इन शेड्यूल 8? तो अभी बताया था सिंधी। ठीक है, नेपाली वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इट 8 शेड्यूल इन विच ईयर? कब डाला गया था? तो 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, अब बताना है आपको मैथिली वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन शेड्यूल 8 इन विच ईयर? तो ये कब डाला गया था? 2003 में डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लैंग्वेजेज वेयर इनकॉर्पोरेटेड अंडर 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992? कितने लैंग्वेजेज को 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया था? तो तीन, कौन कौन से थे? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है, देखो, नाइन्थ शेड्यूल वॉज एडेड बाई द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review. देखो, judicial review एक process होता है जिसमें Supreme Court check करता है कि जो Parliament law बनाया है क्या ये संविधान को नज़र में रख के बनाया गया है कि नहीं। ठीक है, अगर संविधान के किसी भी article से या किसी भी part से अगर वो contradict करता हुआ दिख जाता है तो Supreme Court उस law को, उस bill को, उस act को क्या करता है? नल एंड वॉइड घोषित कर देता है, मतलब वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो देखो, जो नाइन्थ शेड्यूल को सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट में डाला गया था, इसमें आपको मैंने बताया था कि ये जुडिशियल स्क्रूटनी के आधार पर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट का वायलेशन क्या था पर्टिकुलरली? देखो, इसमें जो ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, इसी को क्या कर दिया गया था? लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड था ये, तो इसको क्या बोला कि अब ये अप्रैल 24, 1973 के बाद उसमें जो भी चीज़ जोड़े गए हैं, जो भी लॉ उसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो मैटर है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, मतलब उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लैंग्वेजेज वेयर इंसर्टेड थ्रू 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003? कितना था? 4 था, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, नाउ देखो, संथाली एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड स्पोकन इन इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्राइबल लैंग्वेज इन 2018 टू गेट अ विकिपीडिया एडिशन इन ऑन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो देखो, ये जो संथाली लैंग्वेज है, ये पहले तो नॉर्मल लैंग्वेज था, ठीक है, जो कि झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि पूरे इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में बोला जाता है। ये पहला ऐसा ट्राइबल लैंग्वेज बना जिस पे विकिपीडिया ने अपना, इनके अपने ही स्क्रिप्ट में एडिशन निकाला। जैसे देखो, ये है कौन से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूँ लेट से कि संविधान। ठीक है, ये संविधान में कौन से स्क्रिप्ट में लिखा? देवनागरी में लिखा। ठीक है, इसी तरीके से संथाली का जो अपना स्क्रिप्ट है, उसी एडिशन में, उसी कह सकते हो स्क्रिप्ट में विकिपीडिया बहुत सारे एडिशंस निकालता है। ठीक है, मतलब अपना जो भी है इन्फॉर्मेशन छापता है। ठीक है, तो ये पहला ऐसा ट्राइबल इंडियन लैंग्वेज बना जिसपे विकिपीडिया ने एडिशंस निकाले, या फिर कह सकते हो इस पे अपना कंटेंट निकाला। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीट्स ऑफ विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर एलोकेटेड इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, आपको सीट्स ऑफ विच हाउस बताना है जो एलोकेटेड है फोर्थ शेड्यूल में। तो कौन सा है? राज्यसभा के सीट्स की बात करी गई है। ठीक है, मैं बताया था कि सीट्स का एलोकेशन फोर्थ शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट इज एलोकेटेड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एज अंडर शेड्यूल 4? शेड्यूल 4 के अंतर्गत देखा जाए तो किस स्टेट को सबसे ज्यादा सीट्स मिली हुई है राज्यसभा में? तो यूपी है ये, इसको कितना मिला हुआ है? 31 सीट्स मिले हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी यूनियन टेरिटोरीज आर एलोकेटेड सीट्स इन द राज्यसभा अंडर शेड्यूल 4? ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटोरीज को कितने सीट्स मिले हुए हैं राज्यसभा में? तो कितने हैं ये? 4 हैं। ठीक है,
सॉरी चार नहीं है, देख सकते हो इसमें कितना मिला हुआ है इनको, तीन को मिला हुआ है पर्टिकुलरली, जम्मू कश्मीर, एनसीटी दिल्ली एंड पुडुचेरी को मिला हुआ है, ठीक है। तो देखो कश्मीर को मिला हुआ है 4 सीट्स, तो देखो ये तो ओल्ड हो गया, ठीक है अभी हटा दो। आप इतना याद रखो एनसीटी को 3 सीट्स मिला हुआ है एंड पुडुचेरी को, देखो एनसीटी क्या कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है पर्टिकुलरली कह सकते हो इसको। तो दिल्ली को मिला हुआ है कितना, एनसीआर होना चाहिए था ये जो भी हो, तो दिल्ली को कितना मिला हुआ है, 3 सीट्स मिला हुआ है। पुडुचेरी को कितना मिला हुआ है, 1 सीट मिला हुआ है, ठीक है। अब देखो कह सकते हो कि इंग्लिश क्या है, ऑफिस हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देखोगे तो कौन कौन सा है, हिंदी है एंड इंग्लिश है, ठीक है। तो हिंदी तो शेड्यूल में 8 शेड्यूल में डाला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इंग्लिश को शेड्यूल में नहीं डाला गया है, ठीक है। तो इंग्लिश इज नॉट शेड्यूल लैंग्वेज अंडर शेड्यूल 8, दो इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विथ हिंदी, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ शेड्यूल 7, ठीक है। सेवेंथ शेड्यूल के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले समझो कि तीन लिस्ट में बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो देखो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आती है, तो डिफेंस आता है, नेवल मिलिट्री एंड एयर फोर्सेस आता है, मतलब डिफेंस फोर्सेस हैं, ठीक है। फिर यूनियन लिस्ट में क्या आता है, आर्म्स है, फायर आर्म्स है, एम्यूनेशन है एंड एक्सप्लोसिव्स है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी है एंड मिनरल रिसोर्सेस है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, सीबीआई वगैरह। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, फॉरेन अफेयर्स है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, सिटीजनशिप, न्यूट्रलाइजेशन एंड एलियंस। एलियंस किसको कहते हैं, फॉरेन कंट्री के जो भी सिटीजन होते हैं उनको एलियंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पाकिस्तान के सिटीजन को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिया में एलियंस कहेंगे, ठीक है। तो हम इंडिया ने दो तरह के एलियंस बनाए हैं, ठीक है, एक फ्रेंडली एलियन एंड एक इनमी एलियन। तो आपको जान के हैरानी होगा, पाकिस्तान एंड चाइना के लोगों को इनमी एलियन कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान एंड चाइना के लोगों को अगर ये इंडिया में आते हैं तो इनको क्या कहा जाएगा, चूंकि वो लोग एलियन है, एलियन का सिंपली मतलब होता है अजनबी, ठीक है, जो हमारे से जान पहचान नहीं रखते हैं। तो ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में देखोगे तो वैसे जो हमारे सिटीजन नहीं है, ठीक है, सिटीजन नहीं है, तो इंडिया ने इनको कैटेगराइज करा है एक फ्रेंडली एलियन एंड एक इनमी एलियन, एंड पाकिस्तान एंड चाइना को रखा है इनमी एलियन में, ठीक है। तो एलियन समझ गए, ये किसका सब्जेक्ट है, यूनियन का सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर रेलवे भी यूनियन लिस्ट में आता है। फिर क्या है, पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज इन प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया से बाहर जो भी पिलग्रिमेजेज हैं वो यूनियन लिस्ट में आता है। शिपिंग एंड नेविगेशन ऑन द इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज में क्या आता है, ये किस में आता है, ये यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, करेंसी है, क्वाइनेज है एंड लीगल टेंडर है, ये किस में आता है, यूनियन लिस्ट में। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंजेज एंड फ्यूचर मार्केट्स, ठीक है, ये भी यूनियन लिस्ट में है। सेंसस एंड सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब किस में है, यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। अगर हम लोग स्टेट लिस्ट को देखें तो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पिलग्रिमेजेज इनसाइड इंडिया, ठीक है। जैसे अब मान लो कि पटना में कोई लेट से कि कोई विजिटिंग प्लेस है, ठीक है, जैसे अगम कुआं है, ठीक है। अब ये अगम कुआं किसके अंदर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। मान लो यूपी में ताजमहल है, ठीक है, मानना क्या है ही, तो वो ताजमहल से जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो किसके अंदर आएगा, तो यूपी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पिलग्रिमेजेज इनसाइड इंडिया, ठीक है। फिशरीज है, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स हैं, मार्केट्स एंड फेयर्स हैं, बाजार एंड मेला वेला हो गया, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज एंड वेटरनरी ट्रेनिंग, ठीक है, वेटरनरी ट्रेनिंग और एनिमल डिजीज कौन का प्रिवेंशन कौन करेगा, तो स्टेट करेगा, मतलब स्टेट इस पे कानून बनाएगा। एग्रीकल्चर इनकम हो गया, बेटिंग एंड गैम्बलिंग हो गया, रिलीफ एंड डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब कह सकते हो आप जो ये सहायता भत्ता दिया जाता है ये सबसे रिलेटेड। लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस एंड लैंड्स ऑफ एंड बिल्डिंग, टैक्सेस ऑन लैंड्स ऑन एंड बिल्डिंग, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, टैक्सेस ऑन कंजप्शन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टॉल्स एंड कैपिटेशन टैक्सेस, ये सब किस में आएगा, तो ये सब आएगा स्टेट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो देखो क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। फिर बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, फिर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, अगर किसी इंसान किसी जानवर के साथ क्या किया जाता है, क्रुएल्टी से साथ पेश आया जाता है, तो इससे प्रिवेंशन रिलेटेड किस में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में आएगा। फॉरेस्ट, गुड्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेस, ये सब कंकरेंट लिस्ट में है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ट्रेड यूनियंस, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एजुकेशन, लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस,
चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, प्राइस कंट्रोल एंड वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ये किस में आएंगे? ये सारे आएंगे किस में? कंकरेंट लिस्ट में। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अंडर विच लिस्ट ऑफ सेवन शेड्यूल यूनियन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेवन शेड्यूल में कौन से लिस्ट में जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है? तो कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। देखो, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल ऑफेंसेस आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। मतलब स्टेट भी कानून बनाएगा एंड सेंटर भी कानून बनाएगा। तो इसी में अभी रिसेंट में देखे होंगे पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड में यूपी ने बनाया है, फैमिली रिलेटेड जो भी है V2 Hour 2 एंड उससे रिलेटेड जो भी कानून बनाया है, ठीक है। तो देख रहे हो ना, स्टेट्स भी बना सकते हैं। इनिशियली एजुकेशन वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, इट वाज मूव्ड टू द कंकरेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो एजुकेशन था ये स्टेट लिस्ट में आता था, ठीक है, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। इसलिए इस पे अब सेंटर एंड स्टेट दोनों कानून बनाती है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स रिमेन हैपेंस टू बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, किसमें है? स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। रेलवे पुलिस रिमेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, रेलवे पुलिस किस में आता है? तो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। ओके, नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग बिलोंग्स टू विच लिस्ट ऑफ सेवेंथ शेड्यूल, कौन से लिस्ट में है? तो कंकरेंट लिस्ट में है इकोनॉमिक प्लानिंग। एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू विच लिस्ट ऑफ सेवेंथ शेड्यूल, ठीक है। एग्रीकल्चर कौन से लिस्ट से बिलोंग करता है? तो ये स्टेट लिस्ट है, ठीक है। पंचायती राज बिलोंग्स टू विच लिस्ट ऑफ सेवेंथ शेड्यूल, तो ये क्या है? स्टेट लिस्ट में आता है। देखो, पिनल कोड इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर लिस्ट 3 ऑफ 7 शेड्यूल कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पिनल कोड पूछते, पिनल कोड किस में आता है? तो ये 7 शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। देखो, मैरिज डाइवोर्स एडॉप्शन बिलोंग्स टू विच लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, मैरिज है, डाइवोर्स है, एडॉप्शन है, किस लिस्ट से बिलोंग करता है? तो कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कुछ पार्टिकुलरली है नहीं। तो देखो, एट प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर्स बिलोंग टू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट स्टूड 161 एंड 52, ये ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। तो देखो, इस चैप्टर में इतना ही था। अगले चैप्टर, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे नेचर एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बढ़िया से हम लोग इन क्वेश्चन को देखेंगे एंड इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स पर्टिकुलरली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।